दोस्तों ये बात उस समय की है जब सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट जैसी व्यवस्थाओं से भारतीय समाज पृथक होने लगा था, जिससे गांधी जी काफी आहत हुए। पूना पैक्ट से वचनबद्ध गांधी जी ने पूरी तरह से अपना जीवन हरिजनों की सेवा में समर्पित कर दिया। यरवदा जेल से ही उन्होंने अस्पृश्यता निवारण अभियान की शुरुआत की तथा इसी समय उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। और जब गांधी जी अगस्त 1933 में जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपने अभियान को तेज किया और नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की और पूरे देश का भ्रमण कर जुलाई 1934 में यात्रा खत्म की। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में फैली अस्पृश्यता हर रूप से समाप्त करना था। अपनी इस यात्रा के दौरान वे दो बार जेल भी गए तथा उन्होंने कई कट्टरपंथियों का सामना भी किया। दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी ने ही दिया था। आपको बता दें कि गांधी जी का यह अभियान राजनीतिक नहीं था बल्कि हिंदू समाज और हिंदुत्व के शुद्धिकरण से संबंधित।